देश में भले ही गंगा स्वच्छता के नाम पर ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन हकीकत में गंगा तट पर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। मामला फारुखाबाद का है, जहां मेला रामनगरिया क्षेत्र में गंदगी से भक्तों और साधु संतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेला स्थल पर चौतरफा फैली गंदगी, पेयजल और शौचालयों पर पर्याप्त इंतजाम न होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। यही नहीं, गंगा किनारे कल्पवास कर रहे कल्पवासियों का जीना भी दूभर हो रहा है। नहीं, यहाँ नहीं आते। कितने दिनों सफाई कर्मचारी नहीं आए थे? नहीं, शुरू जब से हम आए तब से उनको देखा ही नहीं, तो उन कर्मचारी यहाँ जो है लगा है कि नहीं लगा है। आपके यहाँ गंदगी पड़ी है, सफाई कर्मचारी आते नहीं आते? नहीं आते। कब से नहीं आ रहे? हमने नहीं देखो, 10-12 दिन थे, 15 दिन तो हम ही गए। तो कूड़ा पैसा ही पड़ा रहता है। उधर प्रशासन की माने तो करीब 100 सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य में लगाया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार, पंजाब केसरी टीवी।